आम बात हो गई है, क्योंकि हर 10 में से 8 लोगों को आजकल हेयर फॉल हो रहा है। उन 8 में से एक मैं भी हूँ जिसको इस टाइम पे, ये देखिए, मतलब हाथों को खींचते ही मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि ये मानसून सीजन है और मानसून सीजन में वैसे भी सीरियल हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होती है, चीनेस होती है, आपकी स्कैल्प अनहेल्दी हो जाती है। और मुझे तो कोविड हुआ था, बहुत सीरियल तरह का कोविड। बहुत कितने लोग आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताना, जिनको कोविड के बाद उनका हेयर फॉल रुका ही नहीं। उनमें से एक मैं भी हूँ जिसे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन मैं उस हेयर फॉल को जो है वो कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मैं अपने हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए क्या करती हूँ, देखो जब भी हमें हेयर फॉल होता है हम तो या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम स्विच करते हैं होम रेमेडीज की तरफ, क्योंकि होम रेमेडीज भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो हमारे हेयर फॉल को 90-80% तक कम कर देती है। ऐसा रियल में है, क्योंकि मुझे जब भी हेयर फॉल होता है, आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो देखोगे बहुत सारी वीडियोज है, तो मैं भी उनमें से जो है वो होम रेमेडीज को अपनाती हूँ, तरह तरह के ऑयल्स बनाती हूँ। बट कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता इतनी सारी चीजें बनाने के लिए। सो मार्केट में एक ऑयल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, वो था आदिवासी हेयर ऑयल। सो सभी इस पे वीडियोस बना रहे थे और यूज कर रहे थे, सो मैंने भी मंगाया। मैं इसको 2 से 3 बार यूज कर चुकी हूँ, बहुत थोड़ा सा मात्रा में लगता है। और इसमें ना मीठे बादाम की खुशबू बहुत ज्यादा आती है, ऐसा लगता है आपको मीठा बादाम, जो बादाम का तेल होता है, आप वो यूज कर रहे हो। और इसमें काफी सारे जैसे हर्ब्स भी दिखाई देते हैं, देखिए ये आपको हर्ब्स भी इसके अंदर दिखाई देंगे, कुछ लकड़ियां टाइप की हैं। अब इसमें 108 इसमें लिख रखा है, 108 टाइप ऑफ हर्ब्स। वैसे ये SMD कंपनी का है और ये ऐसा क्लेम करते हैं, जब मैंने इसको मंगाया था, इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी इन्फ्लुएंसर की, कि ये ऐसा क्लेम करता है कि आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है 2 से 3 मंथ में और 15 डेज में आपको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें है दश वाला, लोसी वाला, पता नहीं क्या क्या चीजें, ब्रह्मी है, कस्तूरी है, ऑयल है, रूट आंवला है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजों के ऐसे रूट्स दिखाए गए हैं इसमें, और इनके जो नंबर्स वगैरह भी है वो भी दे रखे हैं इन्होंने, और ऐसा क्लेम भी कर रखा है कि आपके बाल अगर ऐसे हैं तो ऐसे आ जाएंगे। सो मैं 2 से 3 बार यूज करा, देखो मैं अपना जनरल रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि 2 से 3 बार में मुझे पहले से डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 बार लगाया तो मुझे इतना कुछ खास फर्क लगा नहीं। हाँ, जैसे मेरे इतने बाल निकल रहे थे तो वो इतने हो गए हैं, क्योंकि अभी 3 बार ही मैंने अप्लाई किया है इसको। सो अभी भी मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, देखो मैं पूरा रूट्स के अंदर अच्छी तरीके से इसको लगाकर मालिश करती हूँ। मैं इसको और 15 डेज 15 दिन और कंटिन्यू करूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि रियल में वर्क करता है या फिर सिर्फ ये फेक है। और बिल्कुल जनरल मेरा रिव्यू होगा, आप लोगों को अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर 500-600-700 रुपए का ये आता है, तो इतने पैसे आपको इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, ये सही है या फिर नहीं है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है वो इससे नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, क्योंकि मुझे अभी इसको यूज करते 2 ही हफ्ते हुए हैं और मैं चाहती हूं मतलब कि मैं इसको 1-2 हफ्ते और ट्राई करूं। जैसे 15 दिन का क्लेम करते हैं, फिर भी मैं और ज्यादा इसको ट्राई करना चाहती हूं, कि मैं देखना चाहती हूं कि हेयर फॉल रिड्यूस होता है या फिर नहीं होता है, हेयर फॉल वैसा ही रहता है, ऐसा क्या इसका क्लेम है जैसा ये खड़ा उतरता है। और अगर ये मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि देखो आप लोगों को मैंने दिखाया ना, ये तो बहुत थोड़ा सा हेयर फॉल है, जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ ना तो मेरे बाल जो है आप ऐसे खींचोगे तो वो इस तरीके से निकल रहे हैं, क्योंकि देखो मानसून। तो जो मेरा नेक्स्ट रिव्यू आएगा आदिवासी हेयर ऑयल पे, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है लोगों के साथ में, और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोगों के सर पे से बाल उड़ चुके हैं, वो गंजे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वाकई में अपने बालों के साथ में रिस्क लिया। लेकिन एक्चुअली मैं जब इसको अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे अंदर से जो है वो धक 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 हो रही है, कोई ऐसा ना हो कि इसका कोई साइड इफेक्ट निकल कर आए और मेरे हेयर जो है वो बिल्कुल ही उड़ जाए। तो लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों के लिए मैं ये रिव्यू लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आप लोग को एक हॉनेस्ट रिव्यू मिले, आप लोग उसको ले या फिर नहीं ले, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल को लेके। और अगर इस ऑयल को लेके अगर मेरा रिव्यू अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस नहीं रहा, जनरल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो मैं आप लोगों को एक अल्टरनेट तरीका भी बताऊंगी जो मैं खुद अब ट्राई करने वाली हूँ। जब भी मुझे हेयर फॉल होता है इस तरीके का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब मुझे वो हेयर फॉल होता है तो मैं क्या ऑयल बनाकर अप्लाई करती हूँ। 4 ऑयल का ब्लेंड होता है, वो 4 पावरफुल ऑयल्स कौन से जिसपे आपको इस तरह के आदिवासी हेयर ऑयल्स को अप्लाई करने की आपके हेयर्स पर नीड ही नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छे ब्लेंड एक अच्छे ऑयल के साथ में। वो ऑयल कैसा, उसको बनाना बिल्कुल सिंपल, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के इंग्रीडियंट से आप उस ऑयल को रेडी कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो रिव्यू देखते हैं मेरे रिव्यू पे, मेरे जो और
कहते हैं ना अप्लाई करने के हेयर फॉल पे डिपेंड करता है कि ये ऑयल कैसा है कैसा नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करके रख लो अभी से, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रख लो, इंस्टा पर फॉलो कर लेना। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, अपना ध्यान रखें।